राज्य आबकारी व कराधान विभाग के नूरपुर एरिया की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत छन्नी बेला गांव में कच्ची शराब लाहन बनाने वालों पर रेड मारी। इस टीम में सहायक उपायुक्त राज्य कराधान एवं आबकारी जमटाल मुकेश कुमार, सहायक उपायुक्त ज्वाली कपिल नाथ, सहायक उपायुक्त नूरपुर धीरज महाजन व राज्य कराधान व आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार, मुकेश कुमार, दिनेश खन्ना, चपरासी अशोक, संदीप और यशपाल एवं गृह रक्षक सुभाष चंद्र और जयंत सिंह ने 15 घरों में जाकर उन घरों की जांच की, लेकिन कोई भी शराब उनके वहां पर ना मिली। इसके उपरांत टीम ने पास लगते जंगल वाले क्षेत्र में जांच की तो वहां 4 चलती भट्टियां, 9 बड़े ड्रम, 2 प्लास्टिक के कैन व लगभग 185,000 मिलीलीटर कच्ची शराब लाहन पकड़ी गई, जिसे विभाग ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। राज्य कराधान व आबकारी विभाग के उपायुक्त टिक्कम ठाकुर ने बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि इंदौरा विकास खंड के अंतर्गत पड़ते गांव छन्नी बेला व भद्रोआ में अवैध शराब का काम हो रहा है, जिसे विभाग ने 3 उपायुक्त राज्य कराधान व आबकारी विभाग डमटाल, ज्वाली, नूरपुर ने अपनी टीम सहित संयुक्त रूप उक्त जगहों पर दबिश दी और वहां लगभग 185,000 मिलीलीटर कच्ची शराब को पकड़कर नष्ट किया गया। भविष्य में भी विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाई अवैध शराब के कारोबारियों पर होती रहेगी। एनसीआर न्यूज़ के लिए इंदौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।